दोस्तों, दिल्ली से कश्मीर बाय ट्रेन आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके चलने वाला हूँ और आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, क्या खर्च पड़ने वाला है, कहाँ से आपको कौन सी ट्रेन चेंज करनी है, कौन सी गाड़ी चेंज करनी है और साथ ही साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो दोस्तों, दिल्ली से ट्रेन ली थी मैंने, दिल्ली से जम्मू के लिए, और अभी लगभग 2 घंटे से मैं बैठा हुआ हूँ ये सफदरजंग दिल्ली वाले रेलवे स्टेशन पे, और यहाँ पे 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, ट्रेन का कोई अता पता नहीं है। तो अगर आप भी ट्रेन ले रहे हो तो भैया बुकिंग टाइम वगैरह सब कुछ देख लेना और घर से ही पता कर लेना कितनी लेट चल रही है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में कोहरा होता है तो जगह जगह ट्रेन रुकती है और इस चक्कर में ट्रेन बहुत स्लो है, जबकि मेरा दिन वाला है। रात वाली तो कितनी रुकती होगी पता नहीं, क्योंकि रात में तो कोहरा ज़्यादा होता है। तो अभी लगभग 12 बज रहे हैं, मेरी 10:30 बजे की ट्रेन थी और अभी शायद 2 या 3 बजे के आसपास आ जाए तो जानो, और बाकी चल रही है, देखते हैं कब तक आती है। 8:30-9 बजे तक शाम को मेरे को जम्मू पहुंचना था, अभी रात को 12:00-2:00-4 बजे तक जब भी पहुंचा है, कल सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। तो जम्मू से आगे मैं आपको रास्ता वहां पहुंच के बताऊंगा कि कैसा क्या कुछ देखने को मिलता है और कहां से कहां तक ट्रैवल करके आपको नेक्स्ट ट्रेन मिलेगी जम्मू के आगे श्रीनगर के लिए। तो भैया सफदरजंग स्टेशन पे एक दिक्कत है, यहाँ पे कुछ नंबर वंबर लगा ही नहीं है कि कहाँ पे आपका प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन कहाँ पे लगेगी, कुछ पता नहीं है। और अभी 2.5 घंटे लेट हो रही है अपनी ट्रेन, 2.5 घंटे बाद अब आने को है, देखो आ जाए। दिल्ली से जम्मू तक का किराया मुझे सिर्फ 350 रुपये लगा इस ट्रेन का और मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी कोई लहरा गागा करके ये स्टेशन मिला है, ये पंजाब के अंदर ही चल रहे हैं अभी बीच में हम, और मुझे नहीं पता पंजाब में कहाँ है और कौन सा रूट है, ये भी अंदाज़ा नहीं लग रहा, मगर ठीक है अभी पंजाब पार करेंगे। तो दोस्तों, पंजाब पार करते ही जैसे जम्मू रीजन लगेगा, जो भी प्रीपेड सिम होंगे सारे बंद हो जाएंगे, पोस्ट पेड ही चलता है फिर। तो अभी अपना सिम भी बंद होने वाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो वीडियो रिकॉर्ड ऑफलाइन कर रहा हूँ तो आपको देखने को मिलता रहेगा। अभी देखो रास्ते में ही है, क्या नाम है, लहरा गागा, वैसे जम्मू में ही सिम मिल जाता है मगर सिम वहाँ से नहीं लेंगे, श्रीनगर जाके ही लेंगे। रात को स्टे करना पड़ेगा होटल वगैरह, देखते हैं पहुँच के क्या कुछ मिलता है, कितना लेट पहुँचेगा अपना ट्रेन और कहाँ स्टे करना पड़ेगा कुछ पता नहीं, अभी चल के वहीं देखेंगे। तो दोस्तों, अभी पंजाब में ही चल रहा हूँ, शाम हो चली है और कोहरा बहुत भयानक है देख रहे हो, और ट्रेन बहुत लेट चल रही है, मुझे तो लग रहा है पहुँचूंगा ही नहीं, सुबह हो जाएगी यहाँ जम्मू ही पहुँचते इसी ट्रेन के साथ, जबकि शाम का टाइम ही लगभग 8:30-8 बजे पहुँच जाना चाहिए था, और 7 यहीं बज रहे हैं अभी, मैं लुधियाना भी नहीं पहुँचा हूँ, क्या टाइम होगा पता नहीं। बगल में अच्छी बात है कि मेरे ये खाने वाला कोच है जिसमें खाना बनता है, तो आके चेक करके चला जाता हूँ क्या खाने में मिल रहा है। तो अभी खाना वाना देख रहे हैं थोड़ी देर में, 7 बजे तक मतलब थोड़ी 10 मिनट बचे हुए हैं, कह रहे हैं 10 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, थोड़ा बिरयानी वगैरह जो ही मिल जाए वही खा लूँगा, खाना चलो मिल जाएगा, क्या कहते हैं कैंटीन एरिया ना, हाँ कैंटीन वाला कोच लगा हुआ है मेरे साथ में, तो इसमें खाना मिल रहा है। बाकी भाई बहुत तकलीफ है, देखो पूरा धुंध से घिरा हुआ है, कुछ भी दिख नहीं रहा है। चलिए देखते हैं कब तक पहुंचता हूं मैं और रात में क्या कुछ मिलने वाला है, होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, रात को 2 बजे पहुंचाएगी तो बड़ा तकलीफ होने वाला है। तो दोस्तों, लुधियाने पहुंच चुके हैं, मगर लुधियाने पहुंचते पहुंचते 8 बज चुके हैं, जो कि दोपहर में लगभग 1-2 बजे पहुंचना चाहिए था, वो रात के 8 बज चुके हैं और मुझे लग रहा है कल सुबह ही पहुंचूंगा मैं जम्मू के लिए। तो अभी रात में कुछ दिखेगा तो है ही नहीं, तो रात में सोते हैं और सुबह मिलता हूँ फिर आपसे, अगर कुछ दिखेगा तो दिखाता हूँ, बाकी मुश्किल ये रात में कुछ दिखे। तो लुधियाने पहुँचते पहुँचते ये टाइम हुआ है, और एक और अच्छी चीज़ बता दूँ कि पठानकोट के बाद आपका दिल्ली वाला सिम बंद हो जाएगा अगर पोस्ट पेड नहीं है तो। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 1:30 और अब जाके हम जम्मू तवी पहुँचे हैं, भाई साहब बहुत लेट ट्रेन चल रही है, और अभी उधमपुर यहाँ से लगभग 1/2 घंटा और लगने वाला है, लगभग 20-25 किलोमीटर होगा तो लगभग 1 घंटा भी लग सकता है, लगभग 1:30-2:30 बजे पहुँचेंगे हम लोग उधमपुर, और अपनी ट्रेन उधमपुर तक जा रही है। वैसे लो जी चल गई, तो चलते हैं फिर इसी से, बाकी अगर नहीं जाती तो उधमपुर के लिए दूसरी ट्रेन लेनी पड़ती, अपनी जा रही है तो कोई बात नहीं, चलते चलते हैं। और रात में करना भी क्या है, देखो टाइम दिखाता हूँ आपको, 1:23, ये चलिए अपनी ट्रेन, चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, उधमपुर पहुंच चुका हूं, रात के 2:30 बज रहे हैं और ट्रेन बहुत लेट थी और यहां तो कोई गाड़ी वाड़ी मिली नहीं, ये देखो स्टेशन है अपना, और अभी इधर खड़ा हूं, गाड़ियां जो हैं वो पीछे बंद खड़ी हैं, और पीछे एक आध दो खड़ी तो हैं पब्लिक में, देख लो ये 2-4 ही लोग हैं जिन चुन के, और जिनको जाना था वो चले गए, मतलब यहाँ से जम्मू के लिए लोग जा रहे हैं, और घूमने वाली आसपास कई जगह हैं, ये देख लो पोस्टर में आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारी जगह हैं आप जहाँ घूमने जा सकते हैं, उधमपुर में भी एक दिन आप स्टे करके इन्जॉय कर सकते हैं अगल बगल में।
तो दोस्तों अभी ये गाड़ी मिली है मुझे और ये मुझे लेके जाएगी बनिहाल तक। यहाँ अभी मैं उधमपुर रेलवे स्टेशन पे हूँ। उधमपुर से आपको ऐसे कोई ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा क्योंकि बीच में कोई भी इस रेलवे स्टेशन से बनिहाल रेलवे स्टेशन तक का कोई और दूसरा गाड़ी नहीं मिलता। तो यहाँ पे जो ऑफिशियल चार्ज है वो 600 रुपये पर पर्सन लेते हैं, मगर अभी हमने ऊपर चढ़ाई करके मतलब मेन रोड से लेके आए हैं तो लगभग हमें 400 रुपये चार्ज पड़ा है। तो लगभग मेरा क्या खर्चा आ गया, अभी लगभग खाने पीने और ट्रेन का खर्चा अभी तक 500 रुपये हो चुका है और ये 400 यानी 900 रुपये में मैं बनिहाल तक पहुँचूँगा। फिर वहाँ पर रेलवे स्टेशन के लिए मैं बताऊँगा कि बनिहाल से श्रीनगर के लिए कौन सी और ट्रेन और कितने पैसे की मिलेगी, वो चीज़ बताऊँगा आगे चल के। तो दोस्तों बनिहाल रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। हमारी गाड़ी वाले भैया ने बहुत तेज़ यहाँ पे पहुँचाया है। तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ बनिहाल रेलवे स्टेशन, मेरे पीछे ये देख रहे होंगे, और यहाँ से सीधा अभी हमें ट्रेन मिलने वाली है। सुबह 7:15 बजे है एक जो सीधा श्रीनगर के लिए लेके जाएगी। तो चलता हूँ, अभी 7:07 हो रहे हैं, घड़ी में शायद दिख रहा होगा। तो अभी यहाँ से सिर्फ 7 मिनट के अंदर में एक ट्रेन चलने वाली है, चलते हैं ट्रेन पकड़ लेता हूँ, फिर रास्ते में आपको एक स्टोरी बताऊँगा। तो दोस्तों ये जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, ये ट्रेन बिल्कुल ही सील्ड है और अंदर बहुत मस्त हीटर चल रहा है, मतलब गर्मा गर्म फील आ रहा है। तो बाहर बर्फ गिरती रहे, अंदर गर्मा गर्म महसूस होता रहा, तो कितना मज़ा आएगा, मतलब ठंड नहीं लगने वाली इस ट्रेन में, कुछ अलग ट्रेन है ये। लो भाई ट्रेन में बैठने जा रहे हैं, अपनी ट्रेन लगी हुई है। तो दोस्तों ये मुंबई की लोकल ट्रेन जैसी है, मगर ये गर्म है, फुल्ली हीटर चल रहा है अंदर। तो चलते हैं, अभी टाइम हो चुका है, 4 मिनट बाकी हैं चलने में। सुबह की पहली ट्रेन पकड़ रहा हूँ, वैसे हर घंटे आपको एक एक ट्रेन मिल जाती है फिर, मगर उतनी लेट आपको पहुँचाएगी दिन में, ये बहुत जल्दी पहुँचा देगी, लगभग 11 बजे तक श्रीनगर पहुँचा देगी। तो यहाँ से आप कई सारी ट्रेन पकड़ सकते हैं, दिन में 3 घंटे के अंतराल पर श्रीनगर छोड़ देती है। इसका किराया सिर्फ 70 रुपये के आसपास होता है। भैया अभी इस स्टेशन पर अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकी थी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए, मैं 2 सेकंड कह रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए रुकी होगी, बस तुरंत निकल गई। और देखो ये ना सुबह सुबह की जो ओस है ना वो भी जमी हुई है यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको सुबह की ओस, देखो वाइट वाइट दिख रही है ना, ये सुबह की ओस जमी हुई है, यानी माइनस में तो चल रहे हैं अभी भी हम। तो भैया अभी अपनी ट्रेन रुकी है, सदुरा रेलवे स्टेशन है, सदुरा चल गई, एकदम खाली खाली, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा, बस ये देखो इस पे स्नो जमी हुई है, ये देखो। तो दोस्तों अभी आ गए हैं अनंतनाग रेलवे स्टेशन एक पड़ता है, और अभी टाइम हो चुका है 8:01। तो भैया ये स्टेशन का नाम है अनंतनाग, ये देखो ये, और यहाँ से अभी जहाँ मुझे जाना है डेस्टिनेशन मेरा, लगभग 1 घंटे का और बचा हुआ है, और लगभग अभी बज रहे हैं 8:01, और बस हर 30-20 सेकंड के लिए रुकती है ट्रेन हर स्टेशन पे। और अभी तो स्नो वगैरह नहीं है, बट ये देख लो ये जो घास के ऊपर सुबह ओस पड़ जाती है ना, वो सारी ओस जमी हुई है, वाइट 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 दिख रही है। और ये समझ लो ये गाँव गाँव के लिए लोकल ट्रेन है, चलती है, मगर इसमें हीटर लगा हुआ है तो अच्छी चीज़ है। फॉग आ गई भाई, फॉग, अनंतनाग रेलवे स्टेशन देखो पार करते ही एकदम धुंध धुंध हो गई, इससे पहले धुंध नहीं था, अभी कोहरा ही कोहरा दिख रहा है बिल्कुल। ओ भाई भाई भाई, अब ठंड और बढ़ रही है यार, हाथ बर्दाश्त नहीं हो रही, हाथ लाल हो गए, अब चलता हूँ अंदर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही बाहर। और इस तरीके से आप पहुंच जाते हैं श्रीनगर। ये कुल मिला के मेरा 975 रुपये हो जाता है, जो कि 1000 से कम में मैं दिल्ली से श्रीनगर बाई ट्रेन पहुंच जाता हूं। दोस्तों अभी मैं ट्रेन से उतर चुका हूं, और अभी श्रीनगर से थोड़ा और आगे चले आते हैं, तो एक जगह थी, क्या नाम था भैया, माजमा रेलवे स्टेशन, ये अपने कैब वाले भैया के घर के पास ही था वो स्टेशन, तो मैं इन्हीं के घर पे रुक रहा हूँ। तो ये भैया हैं जो मुझे घुमाने वाले हैं अभी श्रीनगर, पूरा श्रीनगर कह रहा हूँ, पूरा कश्मीर घुमाने वाले हैं, और लास्ट ईयर भी मैं इन्हीं के साथ घूमा था, बहुत सारे लोगों ने इनके साथ ट्रैवल किया उसके बाद से, काफ़ी सबको अच्छा लगा, जो फीडबैक आया ना वो अच्छा था, सब ने कहा मज़ा आया भैया के साथ घूम के। तो अभी इन्हीं के साथ घूमने वाला हूँ, और इनके साथ अगर आप लोग भी घूमना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह मिल जाएगा भैया का,
कॉल वगैरह करके बुकिंग कर सकते हो, आपको ये एयरपोर्ट वगैरह से भी सीधा पिक कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एयरपोर्ट से या कोई हाँ, ट्रेन से भी आते हो तो हम रेलवे स्टेशन से भी आपको पिक कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हम घर के आसपास आ चुके हैं। तो चलिए, बाकी इस वीडियो में आपको जानकारी कैसी लगी, अगर कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चीपेस्ट ट्रैवल आप ट्रेन से कर रहे हैं तो आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते रहो ऐसे दिल्ली ब्लॉग, फिर मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।